अब हम आज देखेंगे इम्प्लीकेशन फॉर इंक्लूजन, समावेशन के लिए निहितार्थ का वर्णन कीजिए। देखिए समावेशन क्या होता है कि ऐसे बच्चों को जो सामान्य नहीं है, किसी ना किसी भी रूप में उनके अंदर कोई कमी है, डिसेबिलिटी है, तो वो सामान्य की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो उन बच्चों को हमें शिक्षा कैसे देनी चाहिए, क्या हमें उन्हें सबके साथ पढ़ाना चाहिए या हमें उन्हें अलग से शिक्षा देनी चाहिए, तो मेनली यही एक पॉइंट है। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर ऐसे बच्चों को जो असामान्य है, किसी भी तरह का उनके अंदर कोई भी डिसऑर्डर है, अगर हम उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। देखिए पहले तो ऐसे माना जाता था कि असमर्थ जो बच्चे हैं उनको समर्थ बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सामान्य बालकों से अलग होती है, उनके लिए अलग से ट्रेन टीचर्स, प्रशिक्षित अध्यापक हों उनकी आवश्यकता होती है, ऐसे अध्यापक जो उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करें। लेकिन कई आलोचकों ने इस बात को कहा कि ऐसा नहीं है, अगर हम इन बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएं, तो ऐसा करने से वो बच्चे ज्यादा जल्दी सीखने में समर्थ होंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई हीन भावना भी नहीं होगी, वो जब सबके साथ पढ़ेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित होंगे। और समावेशी शिक्षा के और क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसमें ये कुछ मेन पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले उसमें आता है शैक्षिक वातावरण, एकेडमिक एटमोस्फियर। जब असमर्थ बालक सामान्य विद्यालय में जब हम उसे भेजते हैं तो वो शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है और उसके मन में ये विचार नहीं आता है कि वो किस दूसरे जो बच्चे हैं उनकी अपेक्षा किसी भी फील्ड में वो कम है, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहा है। जैसा एनवायरमेंट नॉर्मल चाइल्ड को मिल रहा है वैसा ही इसको मिल रहा है, तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर लेते हैं कि हम भी इनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ क्या है कि वो अध्यापक और जो दूसरे कर्मचारी अगर उनका सहयोग करते हैं, उसको उसके व्यवहार के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, तो बालक तब भी शैक्षिक दृष्टि से उन्नत हो जाता है। मतलब सामान्य बच्चे के साथ उसे वो एनवायरमेंट मिलता है जो कि उसे एक सही से एनवायरमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, एडजस्टमेंट होने के लिए। नेक्स्ट है कम खर्चीली, नेक्स्ट है एलएस एक्सपेंसिव। देखिए अगर हम विशिष्ट स्कूल, विशिष्ट बच्चों के लिए अलग से हम स्कूल खोलते हैं तो नेचुरली बात है उस पे अलग काफी ज्यादा खर्चा होता है, हर सुविधा हर चीज जो है उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो हर जगह हर देश के लिए राष्ट्र के लिए संभव नहीं भी हो। हर स्कूल जो है ऐसे स्कूल हर गांव में हर शहर में नहीं भी एस्टेब्लिश हो पाते, इनमें खर्चा भी ज्यादा आ जाती है। इसीलिए क्योंकि इनके लिए टीचर्स भी, चाहे टीचर्स हों, डॉक्टर हों, मनोवैज्ञानिक हों, हर चीज इनको अलग से चाहिए, और जबकि सामान्य विद्यालयों में हर चीज पहले से है, अगर जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनको और ट्रेनिंग दी जाए तो ये काफी आराम से ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से विशिष्ट बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना काफी जो है आसान रहता है, कम खर्चीला रहता है, और इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा जो है, जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, कि असामान्य को सामान्य के साथ पढ़ाना ज्यादा सस्ती हमें पड़ जाती है। फिर है मेंटल ग्रोथ, मानसिक विकास। जो असमर्थ बालक होते हैं विशिष्ट शिक्षा अगर अलग विद्यार्थी में निपुण और परिशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है, लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर ऐसे बच्चों को सामान्य के साथ ना पढ़ाया जाए तो वो ये सोचते हैं कि हमें सामान्य के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, हमारे लिए अलग स्कूल किस लिए है, तो इस बात को लेकर उनके अंदर हीन भावना आती है और ये चीज नकारात्मक भी प्रभाव उन पे डाल सकती है। जितना ज्ञान वो प्राप्त करना चाहते हैं वो उतना नहीं कर सकते, लेकिन जबकि समावेशी शिक्षा में क्या होगा, सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जा रही है तो उनके अंदर ऐसी कोई हीन भावना नहीं आती और वो नॉर्मल बच्चों के साथ आराम से पढ़ सकते हैं और वो अपनी ग्रोथ पूरी ठीक से इसके अंदर कर सकते हैं। और साथ साथ क्या है कि सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, जब बच्चे सबके साथ मिलजुल के पढ़ रहे हैं तो हम उनके अंदर हर तरह का डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों जैसे हम शुरू से पढ़ते आए कि एजुकेशन का मेन एम क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हर तरह का विकास करना भी एजुकेशन का यही मेन एम होता है। तो जब बच्चे सबके साथ मिलकर पढ़ते हैं, सामान्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों में सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, तो
क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्ग के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर जो ये असमर्थ बच्चे हैं, समाजीकरण की भावना का विकास होता है और असमर्थ बालकों में प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारे आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। मतलब देखिए, सामाजिक जब ऐसे असामान्य बच्चों को हमने सामान्य के साथ पढ़ाना है तो सबसे पहले टीचर और बाकी स्टूडेंट सामान्य की ये ड्यूटी बनती है कि उन बच्चों को ये फील ना कराए कि आप किसी ना किसी रूप में असामान्य हो, ताकि वो भी सबके साथ मिलजुल के रहें और उनके अंदर भी हर तरह का डेवलपमेंट हो, चाहे फिर वो सामाजिक मूल्य का विकास है, चाहे वो नैतिक विकास है, किसी भी तरह का भी फिजिकल भी कोई भी हमारा जो विकास है ऑलराउंड डेवलपमेंट में जो सब आते हैं वो हर तरह के हो सकते हैं। फिर है हमारा समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। भारतीय संविधान में जो हर बच्चा है वो बिना किसी भेदभाव के उसके अंदर हमारे कि हर बच्चे को बराबर शिक्षा देनी है, सबको समान शिक्षा मिले, तो हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो असामान्य बालक हैं उनको समावेशी शिक्षा देनी जरूरी ही है, क्योंकि हमारे संविधान में ये मेंशन है एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये तभी प्राप्त होगी जब हम ऐसे बच्चों को सबके साथ मिलजुल के एजुकेशन देंगे। और फिर लास्ट हमारा पॉइंट आता है प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट है। सामान्य जो हमारे विद्यालय हैं उसमें हम असमर्थ बच्चों को प्राकृतिक वातावरण दे सकते हैं। जब असमर्थ बालक समर्थ बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें ऐसी कोई भावना का विकास नहीं होता कि वो किसी भी रूप में किसी से कम है। सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लगते हैं और असमर्थ बालक जो है बहुत इजीली अपने आप को उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाएंगे, असमर्थ बालकों को पढ़ाएंगे, तो नेचुरली बात है जो हमारे एजुकेशन के एम है ऑलराउंड डेवलपमेंट, हम वो भी अचीव करेंगे और एजुकेशन फॉर ऑल की सबके लिए शिक्षा, चाहे फिर वो असामान्य है चाहे फिर सामान्य है, हर किसी को हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। ये हम थोड़ा सा कर सकते हैं कि ऐसे हम बच्चों पे स्पेशल हम उनके ऊपर उनकी नीड्स का ध्यान रखते हुए वैसा एनवायरनमेंट दें, हम उनको थोड़ी ट्रेनिंग ज्यादा दे दें, ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं, टीचर्स ट्रेन हो, अच्छा एनवायरनमेंट देके हम असामान्य बच्चों को हम सामान्यों के साथ पढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट पेपर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। आज मैंने आपका पूरा सिलेबस फर्स्ट पेपर का कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप आगे वो देख सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैडम क्वेश्चंस नहीं सिर्फ उनका सॉल्यूशन भी करवाइए, तो अब ये हमारा पूरा पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।